इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2019 के चार क्वेश्चंस हैं जो ना ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। बाकी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं बट ये क्वेश्चंस थोड़े स्पेशल हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। अ प्लेन ईएम वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेव की प्रोपेगेशन कहाँ है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आई कैप है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम ई वेक्टर आपको गिवन है 6.3 जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप के अलोंग है। द कॉरस्पॉन्डिंग बी वेक्टर एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो ई वेक्टर आपको गिवन है 6.3 जे कैप। बी निकालने के लिए ई बाई सी करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। आपको बी वेक्टर निकालना है पूरा। वेव की जो प्रोपगेशन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, वो याद रखना है, दैट इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी। अब आपको वेव की प्रोपगेशन कहां गिवन है? आई कैप। ई वेक्टर कहां गिवन है? जे कैप। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा? के कैप, क्योंकि जे क्रॉस के क्या होता है? आई। तो बी की डायरेक्शन तो आपको कम से कम पता लगे कितनी है, के कैप है। तो बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पीछे, के कैप। सही है यहां तक? तो ई से बी कैसे निकलेगा, क्लियर है? नेक्स्ट है, ईएम वेव्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इस फॉर्म की इक्वेशन हमने पहले कभी की नहीं है वैसे। ये इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस समथिंग। टेकिंग यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ। वेव की प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। ई वेक्टर आपको ये गिवन है। जो स्टैंडर्ड ई वेक्टर की इक्वेशन होती है वो ये होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, वैसे वेव हमने प्लस वन में किया था, के एक्स होता था, के एक्स। पर यहां पर एक्स नहीं है ना, यहां पर वाई और जेड है, तो हम यहां पर आर पुट करते हैं, आर वेक्टर। तो ये के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये आपको रिमेंबर करना है। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करके के डॉट आर वेक्टर क्या आएगा? 6y - 8z। के वेक्टर को लिखा जा सकता है, के वेक्टर कैन बी रिटन एज, मतलब ये इसको मैंने इसके साथ क्या किया, कंपेयर किया, पूरे को पूरे को कंपेयर किया, तो माइनस के साथ आएगा, ये प्लस है ये माइनस है। तो माइनस के की जगह के एक्स, के वाई, के जेड, आर वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड, इसके इक्वल है। इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास ये टर्म आई जो कि 6y - 8z के इक्वल है। फिर आपने क्या किया, x का कोफिशियंट x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ, तो यहां से kx, ky, kz आ गया। तो आपने k वेक्टर में ये वैल्यूज को पुट किया, kx, ky एंड kz, तो ये k वेक्टर की वैल्यू आ गई। k वेक्टर का मतलब होता है वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसके इक्वल है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय k कैप। तो ये तो k वेक्टर आया है, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसको के कैप या एस कैप भी लिखा जाता है। तो यहां से आंसर आ गया, दिस इज द आंसर यू हैव टू मार्क, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो ये नई टाइप की इक्वेशन है जो आपको देखनी है, और कैसे कंपेयर करके के वेक्टर से के कैप निकालना है, क्योंकि के कैप विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन इसी सेट में फिर आया, आपको ई वेक्टर इसी फॉर्म में दिया, पहले ओमेगा टी भी था, इसमें ओमेगा टी हटा दिया, सिर्फ ये दे दिया, कह रहा है बी वेक्टर बोलो क्या होगा। तो आपने क्या करना है, ई वेक्टर को लिखना है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे, ये कैसे बना होगा, ये डॉट प्रोडक्ट से बना होगा। किसका डॉट प्रोडक्ट? 6i कैप + 8k कैप में एक्स आई कैप जेड के कैप। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे आंसर एग्जैक्टली चेक करें सेम आएगा। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये बन जाएगा के वेक्टर, क्योंकि ओमेगा टी तो इसमें है ही नहीं, ये बनेगा के वेक्टर, ये बनेगा आर वेक्टर। तो यहां से के वेक्टर बाहर आ गया। इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं आपको ये इक्वेशन दूं तो आप सीधा के वेक्टर लिखेंगे 6i कैप 8k कैप, सीधा आंसर आ जाएगा के वेक्टर का। के वेक्टर का मतलब है वेव की प्रोपगेशन। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब होगा क्या, इसमें जो बी, हमने बी वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर के लिए हमें बी कैप चाहिए होगा। हमें पता है कि आपस में बी वेक्टर, के वेक्टर, के वेक्टर का मतलब वेव प्रोपगेशन, एंड ई वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो बी कैप होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा। ई वेक्टर हमें क्वेश्चन में 10 जे कैप गिवन है ऊपर से, के कैप हमने निकाल लिया, कैसे निकाला के कैप, के वेक्टर हमने निकाल लिया, के वेक्टर से यूनिट वेक्टर से के कैप कैन बी कैलकुलेटेड। के कैप हमें पता है, ई वेक्टर हमें पता है, हमें बी वेक्टर चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसमें के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्रॉस ई करेंगे, याद रखना है आपने। तो बी वेक्टर का मतलब या बी की डायरेक्शन का मतलब होता है के क्रॉस ई। तो के कैप लिया, के वेक्टर लिया रादर, ये आपका के वेक्टर, दिस इज योर के वेक्टर एंड दिस इज योर ई वेक्टर। तो के कोफिशिएंट्स लिखे, ई के कोफिशिएंट्स लिखे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आ गया।
के क्रॉस ई आपको बी वेक्टर देगा, तो जो भी आंसर आया ये आपको बी वेक्टर देगा। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से बी वेक्टर आ गया, इसको ब्रेक कर लिया 10 से डिवाइड करके, क्योंकि इसका जो बी कैप है, क्योंकि बी वेक्टर का मतलब पूरा वेक्टर है, बी कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ बी है, डायरेक्शन ऑफ बी के लिए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी कर सकते हैं, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, ई बाय सी, तो ई हमें क्वेश्चन में 10 गिवन है डिवाइडेड बाय सी, तो बी वेक्टर होगा ई इनटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर व्हिच इज गिवन बाय बी कैप। तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू डायरेक्शन ऑफ बी कैप दैट इज बी वेक्टर, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी किसकी, बी वेक्टर की। अब आपने क्या करना है, आपने चार ऑप्शंस देखनी है, चार ऑप्शन में आपने पहले वाला कोफिशियंट देखना है, पहला कोफिशियंट इसके इक्वल है बी वेक्टर का, पीछे कॉस में कुछ भी उससे हमें लेना देना नहीं है। तो जैसे कॉस में जो भी इक्वेशन चल रही है ठीक है, यहीं से आपको हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो मेनली तो आपको बी वेक्टर निकाल लाना चाहिए, कॉस या जो भी चल रहा है वो तो एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कॉपी करेंगे। जैसे नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड में ये बी नॉट है, ये कॉस का फंक्शन है और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां से सी इज ई नॉट बाय बी नॉट, से ई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर हिट एंड ट्रायल है प्लीज, क्योंकि आप वैसे सीधा करेंगे लंबा पड़ेगा। आप ना इसमें ऑप्शन जरूर देखें, ऑप्शन में पीछे ई वेक्टर आपको निकालना है, ई वेक्टर में सारी ऑप्शंस गिवन है, तो आपने ना वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें बी वेक्टर और ई वेक्टर, ये जैसे मैंने ये ऑप्शन चूज किया माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप, ऐसा क्यों चूज किया, ऐसा इसलिए चूज किया क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया। अब जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होती है वो ई क्रॉस बी होता है, ई वेक्टर ये पुट कर लिया, बी वेक्टर ये पुट कर लिया, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है, माइनस के कैप, माइनस फाइव के कैप। माइनस फाइव के कैप का मतलब होता है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ वे प्रोपगेशन होती है दैट इज के कैप होता है। तो के कैप अगर मान लो जेड एक्सिस में चल रहा है या आपका जेड एक्सिस में है, तो डायरेक्शन ऑफ वे प्रोपगेशन भी जेड में चल रही है, तो आपने वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें यहां पर जेड आए, क्योंकि यहां पर जेड या टी जो भी चल रहा होता है, ये जो टर्म होती है आपको वे प्रोपगेशन देती है, और वे प्रोपगेशन इसमें जेड में है, तो आपने इसमें जेड वाला ऑप्शन मार्क करना है, जेड वाला, सारे जेड में, खैर वो अलग बात है। तो आपने ई की वैल्यू ऊपर से निकाली हुई है, ई की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, और पीछे आपने मतलब आपने सारे ऑप्शन चेक करने हैं, ये भी हिट एंड ट्रायल से करना है, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट से ये भी चेक करना है, और ई जो निकलेगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा। तो सारी ऑप्शंस आपको आपको मतलब आपको ना साथ साथ ऑप्शन भी देखनी पड़ेंगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आंसर आएगा नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ई एम वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इसमें दो फंक्शंस है, एक बी नॉट की फॉर्म में है, एक बी वन की फॉर्म में है। तो ये आपको रीड करना आ गया होगा कि अगर बी वेक्टर ये है, तो बी वेक्टर में जेड का मतलब है वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन के में है, और इस फंक्शन को देखते हुए भी ये लगता है कि वेव प्रोपगेशन के में ही है। तो इसमें दो अलग अलग फंक्शन है, बी नॉट आपको गिवन है, बी वन आपको पता है, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है जो कि चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। एक काम करते हैं, पहले चार्ज फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा वो निकालते हैं, और फोर्स होती क्या है, क्यू इंटू ई। तो पहले ई निकालते हैं, ई नॉट बाय बी नॉट सी है, ई नॉट इज सी इंटू बी नॉट है, देखो बी नॉट पता है तो यहां से इसके कॉरस्पॉन्डिंगली सी नॉट आ गया। इसकी डायरेक्शन जो होगी ई नॉट की वो माइनस जे होगी, वो चेक करने का रूल है। रूल ये है कि वेव प्रोपगेशन जो होती है दैट इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ई वेक्टर इस जो बी वेक्टर है वो आई कैप के अलोंग है। मुझे कैसे पता लगा आई कैप के अलोंग है, ये रहा बी नॉट आई कैप है, ये आई कैप है, वेव की प्रोपगेशन के में है, कैसे पता लगा, ये देखो ये जेड है तो ये के कैप है। तो अगर ये के कैप है, ये आई कैप है, तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या कहता है, ये माइनस जे कैप है, तो ये माइनस जे कैप में आ गया। सेम रूल लगाएंगे इसके लिए, ये बी वन है तो ई वन इज सी इंटू बी वन, इसके अंदर ये देखो बी वन किसके अलोंग है, जे कैप के अलोंग है, वे प्रोपगेशन किसमें है, जेड में है, तो फिर से सेम रूल लगेगा। इसमें चेक करो, वे प्रोपगेशन ई क्रॉस बी होता है, वे प्रोपगेशन के में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बी वेक्टर इसमें जे में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल से खुद निकालना पड़ेगा, ये माइनस आई कैप है, इसलिए माइनस आई कैप है। तो टोटल फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्या होगी, क्यू इंटू ई, चार्ज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ई आपको एक नहीं दो गिवन है, ई नॉट और ई वन, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके ये रहा।
तो वेक्टर फॉर्म आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, क्यू की वैल्यू, सी की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ इसके कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशियंट का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आपके पास फोर्स आ गई। जो भी फोर्स आई उसका आरएमएस पूछा, आरएमएस निकालने के लिए आप इसे रूट टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आरएमएस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो बिल्कुल वैसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है। एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड इज प्रोपगेटिंग अलोंग दिस, तो वेव की प्रोपगेशन गिवन है। पोलराइज अलोंग के कैप, पोलराइज अलोंग के कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है। एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, तो आपको बी वेक्टर में इसमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। अगेन हिट एंड ट्रायल है, जो वेव प्रोपगेशन होती है वो ई क्रॉस बी के इक्वल होती है। तो ई वेक्टर इसमें क्या गिवन है, के कैप है, पोलराइजेशन के कैप में है, तो ई वेक्टर के कैप में है। तो वेव प्रोपगेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने हिट एंड ट्रायल से यहां से देखना है, ये ई की डायरेक्शन है, आपने ऑप्शन से ई की डायरेक्शन वो लेनी है या बी की डायरेक्शन सॉरी वो लेनी है ताकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये दे दे, तो आपको आंसर मिलेगा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू, ताकि ये एकदम जो ये रूल है वो फॉलो हो जाए। तो एक तो बी वेक्टर की डायरेक्शन पता लग गई, तो बस ऑप्शन से आई क्या आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट से वैसे ही आंसर आ गया, तो इसके अंदर बी ऑप्शन इसका आंसर है, आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू। वैसे तो बी ऑप्शन के साथ सी ऑप्शन भी हो सकता है, तो अगर सी ऑप्शन है फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वेव प्रोपगेशन आई कैप प्लस जे कैप रूट टू होनी चाहिए, तो ये जो वेक्टर होता है वो वेव प्रोपगेशन देता है, तो वेव प्रोपगेशन के अकॉर्डिंगली आई कैप प्लस जे कैप रूट टू इज वेव प्रोपगेशन। तो हिट एंड ट्रायल है पूरा ऑप्शन में, आपको ये भी पार्ट देखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन को मैच कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हर बार आ रहे हैं, तो आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए इसे।